हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मैं गुड्डू, ये कैंडी मैंने मीरा महेंद्र से उठाई थी एक लड़की से। वैसा स्कार्फ पहन के आती है लड़की, ग्रीन कलर का बैग लेके आती। स्केच बनवा सकते हो? नशे में याद नहीं रहता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज वर्दी में कमिश्नर साहब के पास गया था, मीटिंग थी। सुनो, मीरा महेंद्र एरिया में एक ड्रग रैकेट एक्टिव हुआ है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो सर ने ये केस हमें सौंप दिया है। तो उसकी फाइल चेक करो खान, काम पे लगना है। ये सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं होती, टाइम पे आने के लिए होती है। हाँ बाबा, पता है वो ट्रैफिक था ना, तो बस इसलिए देर हो गई थी। ये लो इस महीने की सैलरी। अरे वाह, देखिए 5,000 कम है इसके अंदर। हाँ वो मुझे कुछ नए कपड़े लेने थे ना, तो इसलिए निकाल लिए। गए दिवाली में लिए थे ना कपड़े? हाँ बाबा, तो मैं ऑफिस जाती हूँ, 4 लोगों में उठना बैठना होता है। 4 लोगों में उठना होता है या लड़कों के बीच में? बाबा ए लोड़े वाटर रखो माजा कड़े। मैं पुलिस वाला हूँ, रिटायर हुआ तो क्या हुआ, सब पता है मुझे। मैं तेरी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। माँ बाप की नाक कटवाती है, किसके साथ भागने वाली है तू? बाबा अभी क्या बोल रहे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे एक लड़की के साथ देखा है। क्या बकवास कर रहा है बाबा, ये समीर झूठ बोल रहा है, और ये 6 महीने पहले की बात है। अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर कोई दूसरा फंसाया होगा। समीर तुझे ये तेरे पेटे पे मारे। क्या हुआ बाबा? ये तेरी बड़ी बहन, इला पंख निकाले पंख। जाओ देना बाबा, ये लो इस महीने की पगार पूरी है। हा? बस इसमें से मुझे 500 रुपए दे देना ट्रेन पास के लिए। ये मेरी एकदम प्यारी बेटी है, होशियार है। जा बेटा तू आराम कर, आराम कर चल, जा आराम कर। ए तू खाना बना चल। काम ही नहीं, तेरे पास सब बैठ है क्या? मेरा घूम हो गया है, मिल नहीं रहा है। ताई मेरे बैग में पड़ा, ले लो। ओके ताई, मिला क्या रबर बैंड? ये क्या है? रोज है ताई, और क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। सब समझती हो तो मत बोलो, अपने काम से काम रखो। मैं जानती हूँ तुझे योगेश बहुत पसंद है, पर वो सही लड़का नहीं है। ये सही है ताई, कल तक वो तेरा बॉयफ्रेंड था तो बड़ी तारीफ करती थी उसकी। गलती हो गई थी मुझसे, पर जब मुझे उसके बारे में सच पता चला तो मैंने ब्रेकअप कर दिया था, और अब तू भी वही करेगी। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लूंगी। बहन हूँ, आई बनने की कोशिश मत करो। मुझे तो लगता है ना, हमें फॉरनर से गाली खाने के पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं। जॉब है हमारा सत्या, और वैसे भी फोन पे दी हुई गाली ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। आजकल तो ऑटो वालों को बहुत एटीट्यूड होता है, छुट्टे नहीं होते इनके पास। पापा पापा, आप यहाँ कैसे? बेटा थोड़ा जरा काम था, चलो बैठो। संध्या मैं पापा के साथ चली जाती, ठीक है? बाय 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 बेटा। अरे वाह क्या बात है। वो ऐसे कहते हैं कि बेटी अगर बाप की बात काटे तो उसकी शादी करनी चाहिए।
इससे पहले कि बेटे अपने बाप की इज्जत काट दे। आपको मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं खुद देख लूंगी। और हाँ, मैं ना आपके लिए चखना लेकर आई हूँ, आप वो खाओ और दारू पियो। ठीक है, सिगरेट का पॉकेट। तू सिगरेट पीती है क्या? बाबा ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अरे तेरे पर्स से गिरा ना ये पॉकेट। बाबा ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। समीर तू ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या? क्या क्या कर रहा है बाबा? दाई तू नहीं बोलेगी। दाई सिगरेट नहीं पी सकती बाबा। फिर से ऐसी हरकत मेरे नजर में आई ना तो तेरे को तो मैं ना। नूडल्स यानी मंचूरियन का ऑर्डर थे। तरुण और कितना टाइम लगेगा यार? बस 5 मिनट लगेगा, पार्सल ही बनवा रहा है। कल तक गिरीश के यहाँ पे पार्टी है। नहीं यार, वहाँ इतने सारे लड़के होते हैं, मैं ऑकवर्ड फील करती हूँ। अरे तेरा बॉयफ्रेंड है तेरे साथ, इसमें क्या ऑकवर्ड? हाँ बैठना। निकल तू यहाँ से, निकल। कामिनी वो योगेश था ना? क्या ताई, तुमको हर जगह वही दिखता है क्या? अच्छा और तू यहाँ क्या कर रही है फिर? वो बाबा को चाइनीज खाना था, वही लेने आई हूँ। तरुण हुआ कि नहीं? वो क्या है? पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ। तरुण वो योगेश था ना? अरे क्या पता दीदी, सुबह से इतना कस्टमर लोग है, पानी पीने तक का फुर्सत नहीं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से एक लीड मिली है कि मीरा महेंद्र एरिया में 20-25 साल की लड़की ड्रग पेंडिंग का काम कर रही है। आजकल ये ड्रग्स का धंधा जो कर रहे हैं उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सर बहुत स्मार्ट हो गए ये लोग, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारे बगल में खड़े रहकर डीलिंग करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें मिले इन्फॉर्मेशन से ये तो क्लियर है कि हमें 20-25 साल की एक लड़की को ढूंढना है जो ड्रग पेडलर है, जो ऑरेंज दुपट्टा और क्रीम कलर की बैग अपने पास रखते है। संग्राम और गणेश भाव तुम मीरा रोड देखो। सर मैं और हर्षा भाईंदर देखते हैं। किसी हालत में लड़की चाहिए। ये देखो क्या मिला है मेघना ताई के ड्रॉवर से। चाकू से वार किया है। मेघना दीदी वो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल मधुकर कामणे सर, उनकी बेटी है ये। मधुकर कामणे ना बोलूंगे सर, बॉडी के पास ड्रग्स भी मिले। साहब मेघना मेरी बड़ी लड़की थी, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा था वो सर। ताई के जाने के बाद ताई ने हम सबका ख्याल रखा, समीर तो अभी भी सदमे में। कल रात क्या हुआ था?
और मेघना इतनी रात बाहर क्यों निकली? पता नहीं, लेकिन लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी आँख खुली, लेकिन मैं उठ नहीं पाया साहब, क्योंकि मैंने जरा ज़्यादा पी ली थी साहब। ये मेघना के बॉडी के पास हमें ड्रग्स मिला और पिछले कई दिनों से हम 20-25 साल की लड़की को ढूंढ रहे थे जो ड्रग्स सप्लाई करती है, और हमें लगता है कि वो मेघना ही। आपको कुछ गलतफहमी हुई है साहब, लेकिन उसके बॉडी के पास हमें ड्रग्स मिले तो हो सकता है वो सप्लाई भी करती थी और ड्रग्स लेती भी थी। नहीं सर, ये दोनों इल्जाम गलत है। ताई ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि ताई के पास ये ड्रग्स कैसे मिले, पर ताई का इससे कुछ भी लेना देना नहीं हो सकता सर। सपानी मधुकर जी, आप रिटायर पुलिस वाले, आपको पता होना चाहिए जितनी बातें आप छुपाओगे वो आपके खिलाफ जाएगी। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत इज्जत किया दे। कामिनी, मेघना का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं सर, लेकिन लड़की अच्छी थी। अच्छा, आपने उस लड़की का घर वालों के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन ऐसा कुछ सुना? कैसे सुनाई देगा, वो कामड़े एक नंबर का बेवड़ा है। उसके और मेघना के आए दिन झगड़े होते थे, वो तो कभी कभी उसका पीछा भी करता था। एक नंबर का शक्की है सर। मेघना दीदी मेरी बड़ी बहन जैसे और समीर छोटे भाई जैसे, सारे घर वाले यही से चाइनीज खाते हैं सर। ये एरिया में कहीं सीसीटीवी है? हाँ है ना सर, एक यहाँ पे और एक आगे लिंक रोड पे सर। सर ये मधुकर और उसका बेटा गड़बड़ है सर। उस दिन तो बड़ा मेरी बेटी करके रो रहा था, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों ने बताया कि इसका और बेटी का बनता नहीं था, दोनों में झगड़े चल रहे थे। अरे ड्रग्स का नाम लेते वो लड़का अड़बड़ा गया था। अरे कामिनी बहुत होशियार है सर, बिना डरे हुए सब कुछ बता रहे थे और ये दोनों संभल के बोल रहे, कुछ तो छुपा रहे सर। सर मेघना के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया, ये देखिए सर। उस रात 11:30 बजे मेघना घर से बाहर निकली और फिर मधुकर उसके पीछे गया और फिर वो 45 मिनट के बाद वापस घर आया, मतलब 12:15 बजे। ये मधुकर झूठ बोल रहा है, इसको बुला सर। मधुकर तुझे मैंने कहा था तू जितना झूठ बोलेगा ना उतना फंस जाएगा। साहब सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर नहीं होता कि मैंने उसे मारा है। सुनील साहब मैं मान्य करता हूँ कि मैंने उसका पीछा किया था क्योंकि मुझे उसकी फिक्र थी। पिछले कुछ महीनों से वो बहुत परेशान थी, उसका बर्ताव बहुत अलग हो चुका था, बात बात पे चिढ़ती थी, झगड़ती थी और अकेले में फ़ोन पे बात किया करती थी, कुछ छुपा रही थी साहब। और हाँ, उसके पर्स में से हमें सिगरेट का पैकेट मिला था, उसने बताया कि उसके दोस्त का था, लेकिन बाद में समीर को उसके ड्रॉवर में से ड्रग्स के पैकेट मिले थे साहब। साहब बेटी थी वो मेरी, मैं मानता हूँ कि उसे बिना बताए मैं उसका पीछा करता था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसका पीछा किया, मुझे लगा कि वो ऑफिस के बिल्डिंग में जाएगी, लेकिन वो हमारे घर के पास जो पार्क है वहाँ गई। मैंने सोच लिया था जब वो शाम को घर आएगी उसे मुझे सब सच बताना ही होगा। इतनी देर क्यों हुई, किधर गई थी तू? ऑफिस गई थी बाबा, और कहाँ जाऊंगी? झूठ झूठ बोलती है तू। मैं आज तुझे ऑफिस ला गए लो तो वो लोग ने मुझे बताया कि गए 2 महीने से तू हाफ डे से ऑफिस नहीं जाती है। किधर जाती है तू दोपहर के बाद? हाँ देख, तेरे ड्रॉवर में मेरे को ड्रग्स मिले हैं। तू ड्रग्स लेती है कि ड्रग्स बेचती है? बाबा मैं कुछ नहीं जानती ड्रग्स के बारे में। आज दोपहर को तू वो पार्क में उस आदमी से मिलने क्यों गई थी और उसको तूने एनवलप क्यों दिया था बता, ड्रग्स थी ना उसमें? नहीं बाबा, बायोडाटा था मेरा। इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, मैं दूसरी जगह ट्राई करना चाहती हूँ। वो राहुल था, संध्या का मंगेतर, बस वो ही मेरे इन सब में मदद कर रहा है।
तो उसने पैसे दर वो क्यों दिए? संध्या ने कुछ महीने पहले मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, बस वो वही लौटा रहा था पापा। अब बात याद रख, कान खोल के सुन। तू यहाँ घराच्या बाहेर पाऊल ठेवणार नाहीस, नौकरी करायची नाही, जॉब भी गया खड्डे में, तू चल, तेरी शादी कर डालूंगा बस। चल चल, ये क्या कर रहे हो? चल बाबा, बाबा। इससे पहले कि वो कुछ गलती करती, मैं उसकी शादी कर देना चाहता था, और उस रात वो घर से बाहर गई। गलती हो गई साहब मेरी, अगर उस दिन मैं उसे रोक लेता तो आज ये दिन नहीं आता साहब। अच्छी कहानी सुनाई इसने, लेकिन सच नहीं। अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तुम उसका पीछा कर रहे थे, तुझे ऐसा कुछ दिखा जिस पे तेरा विश्वास नहीं बैठा, तो गुस्से में आया, तूने उसको मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, वो मेरी बेटी थी साहब। क्या है ना मधुकर, दारू ऐसी चीज है जो सही गलत, अच्छा बुरा, रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। समीर, तुम भी इतनी कम उम्र में जेल जाना चाहते हो क्या? हाँ बताओ, तुम्हारे बाबा सच बोल रहे हैं? हाँ, मेरे बाबा ताई की जान नहीं ले सकते, वो स्ट्रिक्ट है, पर हमसे प्यार भी करते हैं। तुम्हें प्रोसीजर तो पता है? हाँ साहब पता है। शहर से बाहर नहीं जाने का, समझे ना? संग्राम सर, ध्यान रखो इस पे, क्योंकि अगर इसने खून किया होगा तो इसको पकड़ना आसान नहीं होगा। इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमसे 2 कदम आगे होगा। सर, पीएम रिपोर्ट से पता चला कि मेघना की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण हुई है। उसके पीठ पर 5 बार वार किए। ड्रग्स के ट्रेसेस मिले? नहीं सर, क्लीन है। सर इसका मतलब मेघना ड्रग्स नहीं लेती थी, शायद बेचती होगी। इतने जल्दी कंक्लूजन पे आ गए? सर एक काम करते हैं, हम मेघना के घर की तलाशी लेते, ऑरेंज दुपट्टा और क्रीम कलर की अगर बैग मिल गई तो हमें लीड मिल गई। वारंट निकालो, चेक करो। ओके सर। सर, नारकोटिक डिपार्टमेंट से कॉल आया था, अभी भी एक लड़की ड्रग सप्लाई कर रही है। सेम सर, ऑरेंज कलर का दुपट्टा और क्रीम कलर की बैग, और हाँ सर, उनके हाथ कोई आदमी लगा है। उसने जो स्टेटमेंट किया है सेम स्टेटमेंट गुड्डू ने किया। मतलब मेघना पेडलर भी नहीं है? इसका मतलब मेघना जैसी बहुत सारी लड़कियां इस रैकेट में शामिल है। सर, ये मेघना की CDR रिपोर्ट। सर, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स तो उसने फैमिली मेंबर्स को ही किए हैं। हाँ, लेकिन एक संध्या सिंह नाम की लड़की है जिससे उसकी काफी बात होती थी। सर मैंने पता लगाया, ये संध्या भी ड्रग्स लेती है। तुम दोनों BPO में एक साथ काम करते थे, तुम्हारी हर बात एक दूसरे को पता थी, लेकिन एक बात तुमने छुपाई, तुम ड्रग्स लेती हो। सर मैं ड्रग्स लेती थी, अब नहीं लेती सर। देखो संध्या, मेडिकल टेस्ट होगा और उसमें सब सच सामने आ जाएगा, इससे बेहतर है कि तुम हमें अभी बता दो। नहीं सर, ये ऐसे नहीं बताएगी। चलो चलो, बताती हूँ सर, बताती हूँ, लेती हूँ, लेती हूँ। मेघना के पास एक पैक्ड बॉक्स में तुमने ड्रग्स छुपाए थे, उसे बिना पता चले, है ना? सर अगर बाबा को पता चल जाता कि मैं अभी भी ड्रग्स लेती हूँ तो वो मुझे रिहाब सेंटर भेज देते। मेघना को तुम्हारे ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता था, वो तुम्हारे पिताजी को बता ना सके, इसीलिए तुमने मार दिया, यही हुआ था ना? नहीं सर, मेघना को मैंने नहीं मारा, आप लोग मेरा यकीन करिए। ये राहुल तुम्हारा मंगेतर है? हाँ सर। ये मेघना हाफ डे लेकर कहाँ जाती थी? सर वो ट्यूशन लेती थी, उसके पिताजी बहुत उसको परेशान करते थे, अगर वो उन्हें दारू के पैसे ना दे तो वो उसे 100 बार सुनाते थे। ये कामली भी तो कई काम करती है। हाँ, GRB सॉल्यूशंस, वो भी एक कॉल सेंटर ही है। मेघना का कोई बॉयफ्रेंड? हाय, योगेश देवरा नाम का, 1 साल उनका अफेयर चला, उसके बाद उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मेघना को बोल रहा था कि तू भी ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दे। अरे मेरी जॉब चली गई है इससे तुम, तुझे ये करने के लिए कह रहा हूँ, बहुत पैसे मिलेंगे और लड़कियों पे कोई शक भी नहीं करता। तुम मुझे ड्रग सप्लायर बनाना चाहते हो, क्राइम करने के लिए बोल रहे हो योगेश? जब इतनी बड़ी रकम आएगी ना तेरे पास, तब तू मुझे ये सब ज्ञान नहीं देगी। आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, जो भी था ना हमारे बीच वो यही तक था। मेघना मेरी बात सुन। फिर मेघना ने मना कर दिया तो उसका अफेयर शायद कामिनी के साथ चला था। क्या
मेघना ने उसे समझाया भी था। मैं जानती हूँ तुझे योगेश बहुत पसंद है, पर वो सही लड़का नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगी। और मेघना इस बात को लेकर काफी टेंस थी। सर, ये कामिनी जितनी सीधी और सच्ची बन रही है ना, उतनी वो है नहीं। उसने तो हमें योगेश के बारे में भी नहीं बताया। ये मेघना ने कामिनी को योगेश के साथ रिश्ता रखने से मना किया था, ये रीजन हो सकता है या कुछ और बात जो हमसे छुपा रही है। पुलिस स्टेशन बुला उसे। सर, वो संध्या झूठ बोल रही है, खुद चर्सी है इसलिए कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल रही है। लेकिन बात तो तुमने छुपाई है ना कामिनी। मैंने छुपाई नहीं, सिर्फ बताई नहीं, क्योंकि आपने पूछा था कि ताई का भी किसी के साथ अफेयर है क्या। लेकिन ताई और योगेश का ब्रेकअप तो 6 महीने पहले ही हो गया था। योगेश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो ड्रग्स लेता है, लेकिन ड्रग्स तुम्हारी बहन मेघना के पास भी मिले तो कैसा है ना कामिनी, ये सिर्फ मर्डर केस नहीं रहा, ये ड्रग रैकेट हो गया। तुम जितना झूठ बोलोगी उतना बुमरैंग बन के वो तुम्हारे पास आएगा। तुम डिसाइड करो सच बोलना है या झूठ। सर, मैं योगेश से प्यार करती हूँ। ताई ने तो योगेश को तभी छोड़ दिया था जब वो ड्रग एडिक्ट बन गया था। जब उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत थी तब उसके साथ मैं थी, इसलिए हम दोनों पास आ गए थे। प्यार करने वाले बुरी चीजें करने से भी रोकते हैं, आपको ऐतराज नहीं था योगेश के ड्रग्स लेने से? था सर, बिल्कुल था। योगेश, तुम ड्रग्स लेना छोड़ क्यों नहीं देते? प्रॉमिस करो तुम आज के। मैं क्या सोचा था कि हम मनाली जाके रह लेते, सोचो पहाड़, सनसेट्स और तुम। योगेश, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अब जो तुम कहोगी वही होगा, ठीक है? योगेश ये सब छोड़ने ही वाला था, लेकिन पिछले 2 दिन से योगेश का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि योगेश के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, या कहीं फिर उसने खुद की तो जान नहीं ले ली। हो गया सर, पूरी स्टोरी तो ये बता रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने योगेश को मारा और बॉडी मिलने से पहले खुद को सेव कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सो प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज सर मुझे घर जाने दो। ठीक है, जाओ तो। सर इतना प्रेशराइज किया टूटी ने, शायद सच बोल रही हो। ट्रेंड है संग्राम। सर, संध्या ने क्या कहा था, कौन से कंपनी में काम करती है? सर, GRV सॉल्यूशंस। जब कामिनी ने नया नया जॉब ज्वाइन किया था, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगी थी। ऑफिस लेट आना, काम को कैजुअल लेना, मैं ये सारी चीज़ें इग्नोर कर रही थी। लेकिन अचानक से मेरे ऑफिस स्टाफ के फोन और महंगी चीजें गायब होने लगी। जब मैंने CCTV फुटेज चेक किया तो कामिनी निकली। कामिनी ऑफिस में चोरी करती थी? यस सर, विद प्रूफ। जब उसे कन्फ्रंट किया तो शी अग्रीड, तो उसे जॉब से निकाल दिया। कब निकाला? 2 महीने पहले। आपकी बेटी कामिनी है घर पे? अभी तक आई नहीं, सुबह 10 बजे तक आनी चाहिए थी, वो नाइट शिफ्ट के लिए गई ना। आ जाएगी लेकिन वो। आपकी बेटी जिस BPO में काम करती थी उसे 2 महीने पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया है चोरी के इल्जाम में। बताएंगे तुम? नहीं, लेकिन वो तो ऑफिस के लिए निकली थी, पर वो ऑफिस में नहीं तो फिर। सर, ये कामिनी अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, मैंने ट्रेसिंग पे डाला है, जैसे ही स्विच ऑन होगा हमें पता चल जाएगा। गुड सर, मैं मेघना के कॉलेज में गया था उसका बैकग्राउंड चेक करने। क्या मिला? सर, मेघना के पुराने दोस्तों से मैंने बात की, उसकी एक दोस्त है चित्रा नाम की, उसने कहा वो कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का था जो मेघना के प्यार में बहुत पागल था, पूरे कॉलेज के सामने उसने प्रपोज किया था। मेघना, आई लव यू, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विल यू बी माई वैलेंटाइन? सर, मेघना ने तो उस वक्त उसको मना कर दिया था, सर वो उसके प्यार में इतना पागल था कि रोज उसके घर तक उसका पीछा करता था। चित्रा ने और भी एक बात कही थी, उसने कहा था योगेश और मेघना का जब अफेयर चल रहा था फिर भी ये राहुल मेघना का पीछा कर रहा था। तेरे जैसे ना बहुत सारा छाप मजनू देखे मैंने। छोड़, सुन, अगली बार अगर मेघना के आसपास भिनभिनाए बिना तो तेरी जान ले लूंगा मैं, समझा? चल।
चलो तुम। ये मेघना और ये चित्रा दोनों बीच में मिली भी थी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? राहुल ना फाइनली एंगेज हो गया। मुझे नहीं लगता मेघना वो तेरे ऑफिस में तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेज हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर कि शायद वो ये सब तुझे पाने के लिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल चुका है वो ये सब। ओ प्लीज मेघना एक्सेप्ट द फैक्ट, तूने मुझसे खुद कहा था ना कि वो तेरे ऑफिस के नीचे आता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। हाँ तो संध्या मेरी दोस्त से तो बात तो करेगा ही ना। ओ प्लीज मेघना हर एक आदमी अच्छा नहीं होता। अरे तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, संध्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो उससे प्यार भी करती है। अगर मैं उसे बता दूंगी ना तो वो हर्ट हो जाएगी, उसे बहुत दुख पहुंचेगा। और अगर नहीं बताएगी ना तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तू सोच ले तुझे क्या करना है। सर ये मेघना के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, और ये देखिए ये मर्डर वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज। उस दिन भी राहुल उसके घर के बाहर ही खड़ा था, फिर बाद में वो उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में मेघना चली गई। कहानी ये ड्रग्स का कम और लो ट्रायंगल का केस ज्यादा लग रहा है। राहुल को लेके आओ। आवाज नहीं, चुप। अभी तक थर्ड डिग्री थी नहीं, उससे भी नहीं पाएगा। सच बोल। सर 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 बता दो सर। रुक जरा, बोल। सर मेरी सगाई संध्या से हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं मेघना से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। तो मर्डर के दिन उसके घर के बाहर क्या कर रहा था? सर मैं हमेशा उसके घर के बाहर जाता था, क्योंकि एक बार भी वो मुझे अगर खिड़की में नजर आई ना तो मैं खुश हो जाता था सर। लेकिन उस दिन वो घर के बाहर आई नहीं सर, तो मैं वापस चला गया। तू सामने जाके रुका, फिर मेघना आई, तूने उसको प्रपोज किया, वो ना बोली, तेरे को गुस्सा आया, तूने उसका मर्डर किया। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, सर सच में सर। ये ऐसा नहीं सुनेगा, इसको कस्टडी में लेके जाओ। सर जाओ इसको लेके। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर सर खान, ये मेघना के बारे में हर कोई अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसके बॉडी के साथ हमें ड्रग्स मिले, लेकिन उसका ड्रग के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अभी भी एक लड़की ड्रग सप्लाई कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं हमें गुमराह करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? हो सकता है सर, क्योंकि ड्रग्स के रिलेटेड सिर्फ योगेश का नाम है। सर ये अरुण बोरकर, केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोल। सर मैं अरुण बोरकर, तृप्ति बिल्डिंग में रहता हूँ। जहाँ सर उस लड़की का मर्डर हुआ था वहाँ से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर मेरी बिल्डिंग होगी। सर जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था उस रात मैं 11:15 पर एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करवाई थी। सर मैं बिल्डिंग से बाहर जा रहा था और वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर रही थी। तुम्हें पक्का पता है वो मेघना थी? हाँ सर, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में उस लड़की की फ़ोटो देखी थी तो मैं पहचान गया था सर। किसके पास आई थी वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नमस्ते साहब। विजिटर का रजिस्टर ले गया जी। ये लीजिए साहब, मुकेश यादव नाम है मेरा और 14 तारीख को ड्यूटी पर मैं ही था। इसमें मेघना का नाम क्यों नहीं है? सर मारिए मत, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। सीसीटीवी फुटेज है क्या कि वो भी भूल गया? सर ये देखिए, ये अरुण ने कहा उसी वक्त मेघना उसे क्रॉस करके बिल्डिंग के अंदर चली गई, फिर 11:45 को वो भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकली, लेकिन उसका कोई पीछा नहीं कर रहा। ये मेघना का टाइम ऑफ डेथ है 12 से लेके 1:30 के बीच में। अरे वो भाग रही थी, तूने देखा उसको? तू दिख रहा है ना सीसीटीवी में, या बोलेगा पुलिस स्टेशन चलेगा। बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, वो लड़की फ्लैट नंबर 502 में गई थी। इसके नाम पे फ्लैट? गिरीश जैन साहब के नाम से फ्लैट है और उनके यहाँ हमेशा पार्टी होती रहती है। लड़का और लड़की एक साथ आते हैं और एक साथ जाते भी हैं। मैंने शुरू में पूछा, नाम लिखने के लिए भी कहा, पर गिरीश जैन साहब आकर हमको धमकी दी कि मेरे गेस्ट से कुछ भी नहीं पूछने का। संग्राम इस फ्लैट के डिटेल्स चाहिए मुझे। राइट सर। सिर्फ ये वॉचमैन के कहने पर हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि मेघना 502 में गई थी। हमें इस बिल्डिंग के सब फ्लैट ओनर से बात करनी होगी, शायद मेघना 502 में नहीं इनमें से किसी फ्लैट में गई होगी।
अरे वाह। सर मैं पुणे के आईटी फर्म में काम करता हूँ, मुंबई बस वीकेंड पर आता हूँ। ये फ्लैट आईएसी करने को देता है तू? नहीं सर, लोग आते पार्टी करके और चले आते बस। सर देखे ब्लड ड्रेसेस, ये टूटी हुई चीज है, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन मेघना के साथ क्या किया उन लोगों ने? तू भी शामिल था उसमें? नहीं सर, मैं नहीं था। तू कैसे जानता है मेघना को? सर मैं नहीं जानता सर, एक्चुअली मैं अपना अगर 1000 रुपये पर आर के हिसाब से रेंट पर देता हूँ, लोग आते पार्टी करते। हर्षा फॉरेंसिक को बुला, घर सील कर दो और ये ब्लड मेघना के ब्लड से मैच करके दे। उस दिन फ्लैट किस किस को दिया था? सर बिपुल पारेख और राजीव खन्ना नाम के दो जन उनको दिया था। सर तू तो पुणे में रहता है ना, तेरे फ्लैट की चाबी कौन देता है उसको? सर मैंने वॉचमैन को देके रखी एक चाबी, तो वो ही देता था। ये दोनों को लेके चलो पुलिस स्टेशन, कुछ तो छुपा रही है लोग। और राजू और विपुल उनको भी पुलिस स्टेशन बुला। सर मैंने सारे फ्लैट ओनर से बात की है, लेकिन वो लोग नहीं जानते मेघना को। तो उस दिन वो 502 में ही आई थी। हर्षा कामिनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, एक्चुअली उसका फोन कल रात से ही स्विच ऑफ है, लेकिन फोन की लास्ट लोकेशन घर पर ही है, तो घर पर ही बंद हुआ है। हेलो बोले क्या? सर तालाब के पास और एक लड़की की लाश मिली। सर ये तो काम ही नहीं है। सर इसके पीठ पर भी चाकू से वार किया गया है। अच्छा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सर क्या लगता है? क्या तो ये लगता है कि मेघना को जिसने मारा उसने कामिनी को मारा है। मतलब राहुल ने? बॉडी को देख के तो ऐसा लगता है कि 12 से 24 घंटे हो गए मर्डर करके। अच्छा पिछले 24 घंटे में इस एरिया में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे पता करो किसके थे। जी सर। और मधुकर कामले उसको इन्फॉर्म कर दिया। यस सर। योगेश हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, कामिनी और मेघना की कड़ी उससे जुड़ी हुई है। उसका पता चला कहाँ है? नहीं सर, और उसका फोन भी 2 दिन से बंद है। क्या हो रहा है आपको? वो सीढ़ियों से गिर गया था सर, तो लग गया ऐसे। गिरीश के घर के फॉरेंसिक रिपोर्ट मिले हमें, मेघना के ब्लड ट्रेसेस मिले। मेघना की मौत उसी दिन हुई जिस दिन वो तुम्हें मिलने फ्लैट में आई थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, वहाँ हमें और एक ब्लड की ट्रेसेस मिली, तो हमें लगता है वो तेरा होगा। सच बता उस दिन क्या हुआ था, नहीं तो फिर ये हाथ पे बैंडेज नहीं पूरे बदन। सर सर सर, आयो 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 आयो। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। योगेश हमारा दोस्त है सर, रेगुलरली हम योगेश से ही ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इस बार योगेश ने पैसे लिए और माल हमको दिया नहीं। अरे योगेश गर्ल्स पार्टी ओवर। सारे तुम मर गया ना तो तेरे मुर्दे से भी पैसे वसूलेंगे हम, समझा ना तू? हाँ मैं पैसे दे दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, समझे? घड़ियाल है हम लोग। हाँ घड़ियाल है, हमसे वक्त मांग रहा है। मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। कौन हो तुम और अंदर का आ रही हो? योगेश को मैंने कहा छोड़ो। चल तू छोड़ छोड़ योगेश को। बहुत गर्मी आ रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पास बताना मेरे। ये धक्का दिया तूने। उसके बाद कुछ नहीं पता योगेश के साथ क्या हुआ। हमने कुछ नहीं किया सर, हम लोग भाग गए थे सर। एड़ा समझा है क्या? ऐसे भाग गए थे तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? वो तो सर हम लोग पीछे वाले बिल्डिंग के पीछे से भागे थे सर, दीवार कूद के, और हम लोग आते भी दीवार कूद के ही थे। हर्षा तृप्ति बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद इनके मोबाइल ने कहाँ का ट्रैवल किया जरा पता करो। जी सर।
सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मेघना और योगेश दोनों का रिलेशन खत्म हो चुका था, फिर भी ये मेघना योगेश को बचाने क्यों गई? और उसे ये कैसे पता कि योगेश तृप्ति बिल्डिंग में? कुछ तो हमसे छूट रहा है सर। सर बैक रोड की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, कुछ देर में मिल जाएगी। सर कामिनी की बॉडी जहाँ मिली वहाँ दो नंबर्स एक्टिव थे, लोकेश और विजय के। मैंने चेक किया सर, दोनों भी फेक आइडेंटिटीज है, फेक एड्रेस प्रूफ। लेकिन सर पिछले कुछ महीनों से दोनों नंबर्स में काफी बात हुई है। मोबाइल लोकेशन निकालो, पता और कुछ मिलता है। सर योगेश का पता चल गया। योगेश एक एनजीओ को अधमरी हालत में मिला था, पिछले कई दिनों से उसका वहाँ इलाज चल रहा है। देखो कामिनी और मेघना की बॉडी हमें मिली है, तुम क्या जानते हो उन दोनों के बारे में? मेघना और कामिनी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई सर। मेरे और मेघना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर विपुल और उसके दोस्तों ने मुझे इस ड्रग्स के दलदल में खींच लिया। मेरी भूख इतनी बढ़ गई थी कि मैं ड्रग्स तो लेता ही था, फिर मैंने सप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। और इन सब के बीच में मैंने मेघना को भी लाने की कोशिश की थी। आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, जो भी था ना हमारे बीच वो यही तक था। मेघना मेरी बात सुन। फिर मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, तभी सर कामिनी ने मेरा साथ दिया, और फिर मैंने कामिनी को भी ड्रग्स बेचने पर मजबूर किया सर। कामिनी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे लिए करो प्लीज। ठीक है, तो जिस लड़की के बारे में हमें खबर मिली थी जो ड्रग पेडलिंग कर रही थी, वो कामिनी थी? हाँ सर। चौदह तारीख को कहाँ थे तुम? मैंने विपुल और राजीव से पैसे लिए थे, लेकिन उनकी कैंडी की डिलीवरी मैंने नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने कामिनी को फोन करके सब बताने की कोशिश की, पर कामिनी ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने उसे एक मैसेज डाल दिया था। शायद वही मैसेज मेघना ने पढ़ लिया होगा और वो वहां पर आ गई। देखो योगेश, तुमने मर्डर तो नहीं किया, लेकिन ट्रक पेडलिंग की है, तो सजा तो होगी। सर तृप्ति बिल्डिंग के बैकरोड की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है मैंने, ये विपुल और राजीव अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाया करते थे। और कामिनी की मौत जिस जगह पर हुई वहाँ पर दो नंबर्स एक्टिव थे, उसमें से एक नंबर मधुकर के घर से हर उस जगह पे घूमता था जहाँ पर ड्रग्स सेल होते थे। उस नंबर पर जितने भी लोगों ने कॉल किया, मैंने उनसे पूछताछ की सर, तब ये पता चला कि एक लड़की थी जो ड्रग्स बेचती थी। इसका मतलब ये नंबर कामिनी का है। दूसरा नंबर किसका है? सर दूसरा नंबर वहाँ के कॉलोनी के आसपास एक्टिव था, और सर इन दोनों नंबर्स के बीच उस रात भी बात हुई जिस दिन कामिनी आखिरी बार घर से बाहर निकली थी, और सर ये दोनों नंबर्स टुवर्ड्स कामिनी के डेड बॉडी ट्रैवल कर रहे थे। वो दूसरा नंबर एक्टिव है? जी सर। और हाँ सर एक और बात, ये नंबर मेघना के मर्डर स्पॉट पर भी एक्टिव था। सर इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कबूल नहीं करेगा। क्या करे सर? दिमाग लगाना होगा। हाँ सर यही नंबर है, इसी नंबर से हम लोग ड्रग्स लेते थे, और उसने कॉल करके बोला था कि योगेश से पैसे वसूल कर लेना। चल फोन लगा और उसको बोला माल चाहिए जल्दी से जल्दी। स्पीकर पे डाल। लगा रहा हूँ सर। बोल विपुल। हेलो भाई, दिमाग बहुत खराब है यार, पापा ने बेल तो करा दिया पैसे दे के, लेकिन सर फटा जा रहा है, माल चाहिए अर्जेंट, मिलेगा क्या? मिल जाएगा ना, 15 मिनट में सेम जगह पे मिल। चल गुड, चल। हाँ भाई मैं पहुंच गया हूँ, तू कहाँ है? एक चाइनीज स्टॉल पे तेरे नाम का पार्सल रखा है मैंने, वो जाके उठा ले। ठीक है भाई। देख अभी ना दिमाग बहुत खराब है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, सब सच सच बता दे, तो समवीर के इतना मारेंगे धरती पे नहीं रहेगा तो।
मीरा और बाइंदर के जो ड्रग माफिया है वो पूरे एरिया में ड्रग में ही सप्लाई करता हूँ। अब योगेश को मुझे बहुत सारे पैसे देने थे तो मैंने उसको ही डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया था और उसने मेघना को सप्लायर बनाने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन मेघना मानी ही नहीं, कामिनी मान गई सर। कामिनी मेरे चाइनीज़ के ठेले पे आती थी सर और चाइनीज़ खरीदने के बहाने उससे माल लेके जाती थी और जो भी जगह डिसाइड हुई थी वहाँ जाके डिलीवर कर देती थी सर। फिर उस रात को जब विपुल और राजीव योगेश को सबक सिखा रहे थे ना, मेघना ने उनको बहुत मारा सर, वो मार्शल आर्ट भी जानती थी सर। तू उसके फोन से फोटो डिलीट कर दे। मेघना जी, मुझे अपना मोबाइल दो। विपुल और राजेश की फोटो डिलीट करनी है, फोन दीजिए। तुम्हें कैसे पता मेरे पास फोटोज है? अरे आप फोन दीजिए मुझे। मैं नहीं दूंगी। कामिनी, कामिनी मेघना के मर्डर के बाद बहुत बदल गई थी सर। वो मुझसे कह रही थी कि उसको ये सब नहीं करना है। एक सोच ले एक बार, इतना पैसा ना तू जॉब करके भी नहीं कमा पाएगी। सोच लिया तरुण, ये सब ना मैं योगेश के लिए कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि योगेश जिंदा है कि मर गया। इन ड्रग्स की वजह से मैंने ताई को तो खो ही दिया था, लेकिन अब योगेश को भी खो दिया। तरुण, आज भी खुद को कोसती हूँ कि काश उस रात मैं सोई नहीं होती, वो मैसेज मैंने देखा होता और वहां मैं गई होती और ताई आज जिंदा होती। चलो देख, तू छोड़ के जाएगी तो मुझे तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा तो तेरी दीदी के साथ किया। मतलब ताई को तुमने मारा? अभी बाबा को बताती हूँ मैं। मेघना और कामिनी के मर्डर केस में इसको अरेस्ट करो, चार्जशीट बनाओ और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। और इसका कौन बॉस है उसको ढूंढो। आज से तेरा रैकेट बंद। अरे सर, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ सर, ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई तो रहेगा ही ना सर, ये सब नहीं बंद होने वाला है। ये सब बंद होगा, तेरे जैसे ड्रग बेचने वाले के खिलाफ भारत का हर एक नागरिक खड़ा होगा और ड्रग को देश के बाहर निकालेगा, समझे? सर, ये तरुण जो कह रहा है वो सच तो है, ये ड्रग्स की डिमांड सप्लाई चेन है सर। क्या है ना खान, आजकल के युवक बहुत आसानी से ड्रग्स खरीदते हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो खुद के लिए मौत को न्योता दे रहे हैं। सर, कई जगह तो पहले ड्रग्स फ्री में देते हैं ताकि आगे जाके वही उनके क्लाइंट बन जाए। सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सतर्क रहना है नागरिकों को, अगर उनके आसपास कोई ड्रग डीलिंग कर रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर लें। हर एरिया का तरुण जैसा ड्रग पेडलर अगर पकड़ा जाए तो अपना देश ड्रग के जाल से मुक्त होगा। देखते हैं कब होगा। राइट सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।